ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को कोई भी जो हॉरोस्कोप होती है, कोई भी जब कुंडली को खोलते हैं तो उसको कैसे एनालाइज करते हैं उसी के बारे में बताऊंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और विशेष रूप से जब भी आप कोई चार्ट खोलते हैं और उसके किसी स्पेसिफिक हाउस के बारे में जानना चाहते हैं कि ये भाव कैसा होगा, इसके रिजल्ट कैसे मिलेंगे, या उस भाव से संबंधित जो चीजें हैं, जो उसका सुख है, उसको कैसे समझें, कैसे समझ पाए, उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरा देखिएगा वीडियो, और कई बार उसको आप जब देखेंगे तो आपको रिजल्ट निकालने का तरीका समझ में आएगा कि कैसे कुंडली को एनालाइज किया जाता है। ये मैं आपको चार्ट के थ्रू बताऊंगी, और साथ में आप लोगों को बहुत थैंक्स बोलूंगी जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं और सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं वीडियोस को। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। चलिए अब चार्ट को कैसे समझना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए एक चार्ट है, ये किसी बच्चे का चार्ट है ये, और इस बच्चे का जो जन्म है 9 जुलाई को हुआ है 91 को, और जम्मू का जन्म है इसका, जम्मू कश्मीर में बच्चा पैदा हुआ है। इसके चार्ट के ऊपर आते हैं। ये जो कुंडली है आप देख रहे हैं वृश्चिक लगन की है, और राशि जो है इसकी वृषभ है। तो यहां से मैं दो चीजें आपको बताऊंगी कि आप सबसे पहले लगन को देख लीजिए कि लग्न कौन सी है। तो ये वृश्चिक स्कॉर्पियो लगन है, और इसका जो लॉर्ड है मंगल, वो केंद्र में बैठा हुआ है, सिंह राशि में अपने मित्र के घर में बैठा है। तो एक तो आपने ये जाना कि लग्न केंद्र भाव में गया, जो कि अच्छी स्थिति है, और दूसरा अब चंद्रमा को देख लेते हैं कि इसकी राशि जो है वो वृषभ है, और चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। वृषभ मतलब उसकी उच्च की राशि है चंद्रमा की, ये दोनों ही बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाएंगी। अब अगर कोई आपसे पूछे कि जिसकी कुंडली है इसकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, मैरिड लाइफ का मतलब है कि इसका विवाह कैसा होगा, इसको मैरिज का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, कैसा मिलेगा, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, इन सारी चीजों का अगर आपको विचार करना है तो आप कैसे समझ पाएंगे। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली चीज तो ये कि जब भी आप किसी हाउस के बारे में रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसका परिणाम देखना चाहते हैं, तो उसको आप 3-4 पार्ट में डिवाइड करके फिर आप उसके बारे में फाइनल एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो सबसे पहला जो नियम होता है, आप उस हाउस को देखिए, उस भाव को देखिए कि उस भाव की क्या स्थिति है, वहां पे कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, उसके बाद उस भाव का जो लॉर्ड है, स्वामी ग्रह है, वो कुंडली में कहाँ जाके बैठा है। उसके बाद आप ये देखिए कि जो भाव का विचार कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग सप्तम भाव का विचार कर रहे हैं, तो भावत भावात का नियम लगाएंगे यहाँ पर कि भाव से भाव की क्या दूरी है। तो जो सातवां भाव है विवाह का, इसका जो लॉर्ड है जो अपने से केंद्र में 10th हाउस में गया है, तो उसको चेक करेंगे, और जहां पे वो शुक्र बैठा है वहां से वापस इस भाव को चेक करेंगे। ये भावत भावात का नियम होता है। तो इस और उसके बाद चौथे स्टेप पे आपको कारक को देखना है। तो जैसे किसी लड़की की कुंडली है तो यहाँ पर जो उसकी वाइफ का, पत्नी का कारक होगा वो शुक्र ग्रह होगा, और वही शुक्र जो कारक है वो इसके, वही इसका सप्तमेश भी है जो कि केंद्र स्थान में है। अब चलिए इसकी एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इस हाउस के बारे में एनालाइज करते हैं। तो देखिए ये वृश्चिक लग्न की पत्रिका है, और सातवें भाव में वृषभ की राशि पड़ रही है, जिसका ग्रह शुक्र केंद्र में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि है। तो अगर आप भाव का विचार करेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और ये जो चंद्रमा है इसको चेक करिए कि ये कौन है। तो चंद्रमा यहाँ पे वृश्चिक लग्न की पत्रिका में चंद्रमा भाग्य भाव का स्वामी, मतलब कि एक त्रिकोण का स्वामी हो करके चंद्रमा केंद्र में बैठा है, तो ये एक अच्छी स्थिति कही जाएगी कि त्रिकोण का लॉर्ड केंद्र में बैठा है। तात्पर्य ये है कि सातवें भाव में जो ग्रह बैठा है वो अच्छा ग्रह है। हालांकि यहाँ पे आपको एक चीज और भी देखनी है
कि चूंकि ये कुंडली वृश्चिक लग्न की है, स्थिर लग्न है ये, तो यहाँ पर जो बाधकेश का काम करता है वो नाइन्थ हाउस का लॉर्ड करता है, तो चंद्रमा यहाँ पर नौवे भाव का स्वामी ग्रह है, तो ये बाधकेश का भी रोल प्ले करेगा और बाधकेश बन करके ये सातवें भाव में आया है। तो इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं कि ये चंद्रमा को आप शुभ माने या अशुभ माने, क्योंकि ये भाग्य का स्वामी होकर के, त्रिकोण का स्वामी होकर के ये केंद्र स्थान में बैठा है, उच्च की स्थिति में बैठा है, और यही चंद्रमा बाधकेश होकर के सप्तम भाव में बैठा है। तो यहाँ पर आप इसको बाधकेश के रूप में कम देखिए, क्योंकि बाधकेश का निर्णय आपको तब लेना होगा जब आपको स्वास्थ्य वगैरह का, हेल्थ से रिलेटेड कुछ या लाइफ में कुछ जब तकलीफें आती हैं उन टाइम की जब एनालिसिस करेंगे, वहां पर आप बाधकेश को इन्वॉल्व करेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ इसके मैरिज को देख रहे हैं कि इसकी मैरिज कैसी होगी। तो देखिए, सातवें भाव में जो प्लेनेट बैठा है वो अच्छा बैठा है, क्योंकि उच्च का है, तो ये आपका 25-30% अच्छा रिजल्ट देगा। और इसको आप एक साइड में आप नोट करके रख लीजिए कि भाव आपका अच्छा है, क्योंकि भाव के ऊपर किसी भी मेल्फिक प्लेनेट का एस्पेक्ट भी नहीं है। सिर्फ एक चीज जरूर है कि जो ये हाउस है, सातवां भाव है, ये थोड़े से क्रूर ग्रहों के बीच में है, क्योंकि इसके एक साइड में सूर्य और केतु है, तो इस और सूर्य का, सूर्य और केतु का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं सातवें भाव के ऊपर भी असर डालेगा। मतलब कि सातवां भाव के ऊपर आसपास थोड़े से मेल्फिक प्लेनेट है, फिर भी ये भाव कुल मिलाकर के अच्छा कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लेनेट बैठा है वो शुभ प्लेनेट है और बहुत ही अच्छा ग्रह माना जाता है चंद्रमा। अब बात करते हैं, हालांकि चंद्रमा यहाँ पर अकेला है, आप ये कह सकते हैं कि चंद्रमा अकेला है तो एक तरीके से केंद्रमु योग भी बनाएगा। इन सारी चीजों के बावजूद भी आप इसको ठीक ही मानेंगे, खराब ये नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसे चंद्रमा की स्थिति को भी हम लोग नवमांशा में भी देखेंगे। फिर बात करते हैं, इस भाव का जो स्वामी ग्रह शुक्र है वो अपने से केंद्र स्थान में गया है और केंद्र में गया है, तो सातवां भाव केंद्र है और केंद्र का मालिक होकर के शुक्र केंद्र स्थान में गया है, ये एक अच्छी स्थिति है। और दूसरी चीज आपको और भी देखनी पड़ेगी कि जो विवाह का सुख है वो मिलना किसको है, तो वो कुंडली में जिसके जातक है उसी को मिलना है। वो जातक स्वयं दसवें भाव में बैठा हुआ है, मतलब कि जिसको विवाह का सुख मिलना है उसी के साथ में विवाह का जो लॉर्ड है शुक्र वो भी बैठा हुआ है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको मंगल और शुक्र एक साथ टेंथ हाउस में उतने अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन अगर इसके विवाह के सुख की बात की जाए तो लग्नेश जो है सप्तमेश के साथ में ही केंद्र में बैठ गया है, तो ये भी एक कुल मिलाकर के अच्छी स्थिति कही जाएगी। और यहाँ पर मंगल और शुक्र जो है इनकी जो डिग्री का डिफरेंस है उस पर अगर जाते हैं तो शुक्र की डिग्री 5 है और मंगल की डिग्री 2 है, मतलब कि इनके बीच में बहुत कम डिफरेंस है और शुक्र जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, मंगल उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो इसको भी अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से जो व्यक्ति है वो स्वयं पत्नी के पीछे जा रहा है, इस तरीके से आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं। तो भावेश की जो स्थिति है वो केंद्र में गया है, ये शुभ स्थिति है, लग्नेश के साथ में है ये भी एक अच्छी स्थिति है, मतलब इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसको विवाह का सुख मिलेगा। लेकिन इसी मंगल शुक्र के ऊपर राहु की नौवीं दृष्टि भी है, तो राहु चूंकि पापी ग्रह होता है और लग्नेश और सप्तमेश के ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो कहीं ना कहीं परिणाम को थोड़ा बहुत कम करने का प्रयास करेगा, या ये भी हो सकता है कि बीच बीच में कुछ ये अलग तरह के संबंधों को भी देने का काम कर सकता है, महादशांतर प्रत्यंतर उसके ऊपर निर्भर करेगी। अब बात करते हैं कि जो यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है, जिसके घर में बैठा है उसका जो स्वामी ग्रह सूर्य है वो कहाँ बैठा है, तो वो बैठा हुआ है अष्टम भाव में, हालांकि गड्ढे के स्थान में बैठा है, अपने मित्र के घर में बैठा है, क्योंकि बुध की राशि है और बुध यहाँ पे भाग्य भाव में बैठा है। तो जो अपना सप्तमेश गया केंद्र के भाव में, उसका जो स्वामी ग्रह है उसका भी रोल होता है इस भाव के रिजल्ट के ऊपर। तो शुक्र कुल मिलाकर के जिसके घर में बैठा है, हालांकि उसका शत्रु ग्रह है, लेकिन वो शत्रु ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा है और वो वापस यहाँ पे जाकर के भाग्य भाव में बैठा है। तो अगर अब इसके रिजल्ट को देखा जाए कि कैसा इसका विवाह रहेगा, तो सूर्य के राशि में गया है सप्तमेश, शत्रु राशि में गया है, अच्छी चीज ये है कि लग्नेश के साथ में है, लग्नेश का उसको थोड़ा सपोर्ट मिलेगा सप्तम को। अब इसी चंद्रमा और शुक्र की
और मंगल, इन तीनों की स्थिति को नौमांशा कुंडली में देखते हैं। तो देखिए नौमांश कुंडली में जो लग्न हुई वो मकर की बन गई और लग्न में ही यहाँ पर गुरु बैठ गया, नीच का बैठ गया। और जो चंद्रमा इनका लग्न कुंडली में वृषभ राशि का था, वही चंद्रमा इनका नौमांशा कुंडली में उच्च का हो गया है। तो यहाँ से इंडिकेशन मिल रहा है कि जो इस भाव में बैठा हुआ ग्रह था उसकी स्थिति इंप्रूव हुई है और वो भाव वर्गोत्तम भी हो गया है। नौमांश कुंडली में उसी भाव में जाकर के उच्च का है, तो ये चंद्रमा इनको अच्छा रिजल्ट देने का काम करेगा, भाव वर्गोत्तम की स्थिति में आ गया है। और दूसरा क्या है कि गुरु की उच्च की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी, तो विवाह का जो सुख है उसमें कुछ कमियां जरूर रहेंगी। कमियां इसलिए रहेंगी क्योंकि जो ये शुक्र है केंद्र में बैठा है, तो शुक्र जिसके नक्षत्र में बैठा है, शुक्र बैठा हुआ है यहाँ देखिए केतु के नक्षत्र में बैठा है, तो केतु के नक्षत्र में जब भी शुक्र बैठता है तो शुक्र चूंकि पत्नी है और सांसारिक जीवन जीने का ये कारक है, और शुक्र के नक्षत्र में बैठने के कारण जो शुक्र को रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट जो इसको प्रोवाइड करेगा वो केतु देगा। तो केतु बीच बीच में जब भी डीबी में कहीं कनेक्शन बनाएगा तो ये संबंधों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाने का भी काम करेगा। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वो हमेशा के लिए डैमेज कर देगा, क्योंकि शुक्र अस्त नहीं हुआ है। अगर विवाह का कारक शुक्र अस्त होता तब एक बार स्थिति खराब हो सकती थी, बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर शुक्र अस्त नहीं हुआ है, ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि केतु के नक्षत्र में है तो वो जो विवाह का सुख होता है उसमें थोड़ी बहुत कमी करने का प्रयास जरूर करेगा, क्योंकि यही शुक्र नौमांशा कुंडली में फिर से केतु के साथ में आ गया है। लेकिन अच्छी स्थिति ये है कि शुक्र यहाँ पर एक तो त्रिकोण भाव में इसको प्लेसमेंट मिली है और दूसरा कि केतु के साथ में है, तो केतु के साथ में होने की वजह से शुक्र का जो प्रभाव है उसमें थोड़ा प्रभाव तो आएगा, थोड़ा कम रिजल्ट देने का जो असर होता है वो जरूर आएगा, लेकिन शुक्र स्वयं अपने आप में एक अच्छी स्थिति में आ गया है क्योंकि त्रिकोण भाव में आ गया है। तो जब भी आप किसी भाव का रिजल्ट देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर विवाह का रिजल्ट देख रहे हैं, तो अभी कोई पूछे कि इस व्यक्ति को विवाह का इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा कुल मिलाकर के, तो इसको हम लोग कैसे देख पा रहे हैं, एक तो भाव को आपने देख लिया, भावेश को आपने देखा, भावत भावात का सिद्धांत आपने लगाया, उसके बाद आप अष्टक वर्ग में जाइए और यहाँ पर देखिए कि जो ये वृषभ राशि है तो वृषभ राशि में कितने बिंदु मिले हुए हैं, तो इसके चेक कर लेते हैं इसके अष्टक वर्ग को। इनका जो अष्टक वर्ग आ रहा है वहां पर जो वृषभ राशि है वहां पे उसको टोटल 32 पॉइंट्स मिले हुए हैं, 32 बिंदु मिले हैं। तो एक चीज की कंफर्मेशन हो गई कि जो सातवां भाव है, भाव में ग्रह अच्छा बैठा हुआ है, दूसरा नौमांशा कुंडली में उसको गुरु ने सपोर्ट किया उच्च की दृष्टि डाल के, ये एक अच्छे शुभ संकेत हुए। इस भाव का स्वामी ग्रह अपने से केंद्र में गया है, ये एक अच्छी स्थिति हुई। केंद्र में जाने के साथ साथ जो लग्नेश है उसके साथ में बैठा है, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस जातक को पत्नी का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि मंगल ये स्वयं हो गया और शुक्र इसकी पत्नी हो गई, तो दोनों साथ में बैठ गए, केंद्र स्थान में बैठ गए। क्योंकि अगर लग्नेश और सप्तमी अगर एक दूसरे से 6-8-12 में बैठ जाते हैं तो वहां पे विवाह के सुख में कमी कर देते हैं, तो यहाँ पर मंगल शुक्र का एक साथ बैठना कहीं ना कहीं इनके संबंधों में एक मजबूती का मतलब ये है कि भले कितनी भी उतार चढ़ाव आए इनकी लाइफ में, लेकिन फिर भी इनको विवाह का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका जो सप्तम भाव है इस जातक का वो सर्वाष्टक में यहाँ पे काफी अच्छे बिंदु मिले हुए हैं, 32 बिंदु काफी अच्छी स्थिति होती है, 27-28 बिंदु से जाते हैं यहाँ पे हैं, तो ये भाव ओवरऑल मजबूत है, तो इसको लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर का सुख जरूर मिलेगा। और यहाँ अष्टक वर्ग से ये कन्फर्मेशन मिलती है कि कितनी भी यहाँ पे जो ग्रहों के आधार पे जब बहुत डीप इसको देख रहे हैं तो कुछ कमियां लग रही हैं कुंडली में, क्योंकि कुछ भी हो शुक्र केतु के नक्षत्र में बैठा है तो कहीं वो थोड़ा बहुत कमी करने का प्रयास करेगा, राहु से दृष्ट है तो इस तरीके से देखा जाएगा, बाहर बाहर से अगर इनकी एनालिसिस करेंगे तो आपको कुछ कमी लग सकती है, लेकिन ओवरऑल जो इनका विवाह रहेगा, इनकी जो मैरिड लाइफ रहेगी कुल मिलाकर के औसत रहेगी, इनके बीच में संबंध भी ठीक रहेगा क्योंकि सर्वाष्टक में अच्छे खासे इनको बिंदु मिल गए हैं, तो ये कह सकते हैं कि इस जातक को जो विवाह का सुख है वो 60-65% इसकी लाइफ में कुल मिलाकर के इसकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी। और साथ में इसको एक उपाय हमेशा करना चाहिए, क्योंकि शुक्र इसका अस्त नहीं है लेकिन केतु के नक्षत्र में है, तो शुक्र इसका हमेशा अच्छा ही रिजल्ट दे, तो इसे अपने केतु को भी शुक्र को भी मजबूत करना चाहिए। तो शुक्र के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज होती है कि फ्राइडे के दिन ये किसी भी छोटी
बच्चे को या जो भी लड़कियां होती हैं उनको मीठी चीजें खाने को दे, जैसे खीर है, स्वीट्स वगैरह है व्हाइट कलर की, उन चीजों को बराबर देता रहे, डोनेट करे। और इसी के साथ साथ जितनी भी लेडीज होती हैं उनमें सारी लेडीज आ जाती हैं, मतलब सोसाइटी की माँ बहन जितनी भी फैमिली होती, फीमेल्स होती है, उन सभी को ज्यादा जितना ज्यादा रिस्पेक्ट देगा, उनको जितना ज्यादा ये अच्छी दृष्टि से देखेगा, उनको जितना ज्यादा उनके साथ में अच्छा अपना संबंध रखेगा, उनकी हेल्प करना, उनके लिए अच्छे थॉट्स रखना, ये सारी चीजें करेगा तो इसका शुक्र ऑटोमेटिकली जो है स्ट्रांग होगा। साथ में ये सारी रेमेडीज भी ये करते रहे तो इन जातकों को विवाह का काफी अच्छा सुख मिल सकता है। तो आज मेरा ये पर्पस था कि जब भी आप कोई कुंडली ओपन करते हैं और कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आपसे ये पूछता है कि मेरे इस हाउस के बारे में बताइए या आप हमें विवाह का सुख कैसे मिलेगा, तो आज मैंने आपको मैरिज को ही लेके बताया क्योंकि मैरिज से रिलेटेड लोगों के बहुत ज्यादा क्वेश्चन होते हैं और ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है और लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैरिज होती है। तो कैसे मैरिज का सुख देखना है ये आपको लगन कुंडली से और नवमांशा से चेक करना है, और साथ ही साथ आप थोड़ा सा इसको भावचलित कुंडली में भी देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। भावचलित कुंडली में इनके सूर्य आ गए हैं इनके सप्तम स्थान में जो कि 30 प्लेनेट है और शत्रु राशि में है, और जो इनका मंगल शुक्र यहाँ पर केंद्र में दिख रहा था ये इनके सिंह की ही राशि में है और त्रिकोण भाव में ही है। तो कुल मिलाकर के जो इनको विवाह का सुख दिख रहा है वो औसत सुख कहा जाएगा, बहुत एक्सीलेंट नहीं लेकिन खराब भी नहीं कहा जाएगा। हाँ ये जरूर है कि इनके नवमांशा में जहां से विवाह का सुख देखा जाता है परिवार का वहां पे मेष राशि पड़ी हुई है और यहाँ पर नीच का शनि है और साथ में उच्च का सूर्य भी है और मंगल भी है। तो मंगल इस भाव का ही स्वामी हो गया, जो विवाह का सुख है उस भाव का स्वामी मंगल हो गया, और सूर्य यहाँ पर उच्च की स्थिति में होते ही है और शनि भी, तो ये तीनों ग्रह हैं। तो चूंकि तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेनेट है, मेल्फी प्लेनेट है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो परिवार के अंदर का सुख होता है उसमें कभी कभी ये कमी करने का भी प्रयास करेंगे, क्योंकि तेज ग्रह है तो ये अपने स्वभाव के अनुसार परिवार में किसी तरह का वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां जरूर पैदा करेंगे। फिर भी ओवरऑल जो कुल मिलाकर के स्थिति बनेगी इस जातक को विवाह का कुल सुख जो है औसत मिल जाएगा। तो आज ये जो चार्ट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, मैरिज के बारे में बताया आपको कि कैसे आप किसी भी व्यक्ति की कुंडली खोलते हैं तो उसके हाउस को कैसे एनालाइज किया जाता है। अगर इस कुंडली को एक बार में देखा जाए तो देख करके तुरंत ये कह सकते हैं कि इसमें मैरिज बहुत खराब जाएगी या विवाह बहुत बुरी तरीके से खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि शुक्र जो कारक है वो अस्त नहीं हुआ है, उसमें जान बची हुई है। और किसी भी आदमी की कुंडली में शुक्र ही सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है जो उसको पत्नी का सुख देता है, तो अस्त नहीं होना, उसने काफी चीजों को बैलेंस कर दिया। और दूसरा भाव में चूंकि शुभ ग्रह बैठा हुआ है उसने भाव को काफी हद तक बचाने का प्रयास किया है, ये जरूर है कि कुछ। और दूसरा एक चीज और भी है कि जो मंगल उसका लग्नेश है वो खुद ही शुक्र के साथ में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं वो पत्नी से सब के प्रति जो एक आकर्षण है उसमें वो वृद्धि का योग बनाएगा, क्योंकि वहां पे मंगल और शुक्र लग्नेश और सप्तमेश होकर के एक साथ बैठ रहे हैं और केंद्र भाव में बैठ रहे हैं, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ है और डिग्री वाइज दोनों क्लोज है, तो पत्नी के प्रति जो आकर्षण होता है उसको भी वो बना करके रखेगा। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और शुक्र की जितनी रेमेडीज करेंगे इनके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए शुक्र काफी अच्छा इनको रिजल्ट दे सकता है। आशा कर रही हूँ कि जो आज ये मैंने बहुत अलग ढंग से आपको बताने की कोशिश की है, तो जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी में जिनकी रुचि होगी या जो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, सीखते हैं, इस तरह के वीडियोस देखना पसंद करते हैं, तो उनको ये हेल्प जरूर मिली होगी कि कोई भी हाउस की जब एनालिसिस करते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे देखा जाता है, उसका फाइनल जो परिणाम आएगा वो कैसे समझा जाए। तो उसका यही तरीका होता है कि जब भी आप कोई चार्ट ओपन करते हैं तो सबसे पहले आप उसके लग्न को देख लीजिए, क्योंकि लग्न आप स्वयं हैं, जब आप स्वयं अच्छी स्थिति में होंगे तभी सारी चीजों का सुख ले पाएंगे। उसके बाद आप अपने चंद्रमा को देख लीजिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक होता है, आपके मन में कुछ समझ होगी, आपका चंद्रमा ठीक होगा तभी आप उस सुख को अनुभव कर पाएंगे। फिर चूंकि साथ में भाव को देखना है, विवाह के भाव को देखना है, तो उसके कारक को देख लीजिए, कारक उसका शुक्र होता है, उसकी स्थिति को देखिए, साथ में भाव के स्वामी ग्रह से कहाँ पे वो जाके बैठा हुआ है, और साथ जो सप्तमेश है, सेवेंथ का लॉर्ड है, वो कुंडली के केंद्र त्रिकोण में कहाँ बैठा है। अगर केंद्र त्रिकोण में बैठा है तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी, लेकिन अगर वही शुक्र कहीं त्रिक भाव में चला जाए, तीन में, छह में, तीन में जाएगा तो फिर भी थोड़ा संघर्ष देता है, लेकिन स्थिति फिर भी बचा लेता है, लेकिन जैसे 6-8-12 में जाएगा तो थोड़ा सा संबंधों को तकलीफ देने का काम करता है। ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं एस्ट्रोलॉजी में जिनको
थोड़ा डीपली देखा जाए और चेक किया जाए तो कुंडली बहुत स्पष्ट समझ में आने लगती है, और वो कुंडली ही अपना रिप्लाई देना शुरू कर देती है कि किसी भी व्यक्ति का पर्टिकुलर कौन सा हाउस कैसा है। ठीक इसी तरीके से हम लोग जो कुंडली के 12 भाव होते हैं, लग्न से लेकर के द्वादश भाव, 12th हाउस तक, हर एक भाव में हमें किस भाव में कितना सुख दुख क्या मिलेगा, वो सारी चीजें व्यक्ति खुद समझ सकते हैं या एक एस्ट्रोलॉजर इसको बता सकते हैं। आशा करी हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो, और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो लेकर के आऊंगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।